इसमें मामला ये है कि मजदूर है, वो ये हाजीपुर जंदाहा का है और इन लोग टंकी साफ़ कर रहा था, वो सेफ्टी टैंक जो होता है वो साफ़ करने के दौरान एक आदमी पहले उसमें गिरा है गड्ढे में, दूसरा बचाने का प्रयास किया उसको भी खींच लिया, दम घुटने से दोनों की मृत्यु हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर पटना सिटी से निकलकर सामने आ रही है, जहां दो मजदूरों को दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद दोनों को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों मजदूर सेफ्टी टैंक की सफाई कर रहे थे, जिसमें एक मजदूर पहले डूब गया, उसके बाद दूसरे मजदूर उसे बचाने के लिए गए, उसके बाद वो भी हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि ऐसे मौके पर पहुंचे पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए PNMCH में भेज दिया है। वही आपको बता दें कि पूरा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक नव निर्मित मकान के सेफ्टी टैंक की सफाई की जा रही थी, जिसमें दो मजदूर उस सफाई में लगे हुए थे। अचानक एक मजदूर उस सेफ्टी टैंक के गड्ढे में डूब गया, जिसे बचाने के लिए दूसरा मजदूर भी गया, लेकिन वो भी हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद दम घुटने से दोनों मजदूरों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच उन दोनों मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए NMCH भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों मजदूर हाजीपुर के जंदाहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, पहले उनकी बातों को सुनिए। इसमें मामला ये है कि मजदूर है, वो ये हाजीपुर जंदाहा का है और इन लोग टंकी साफ कर रहा था, वो सेफ्टी टैंक जो होता है वो साफ़ करने के दौरान एक आदमी पहले उसमें गिरा है गड्ढे में, दूसरा बचाने का प्रयास किया उसको भी खींच लिया, दम घुटने से दोनों की मृत्यु हो गई है। पहचान मृतक का अभी चल रहा है, उनका परिजन से संपर्क नहीं हो पाया है, जैसे होता है तो हम लोग आ गए। कोई डिटेल अभी जानकारी नहीं, नहीं डिटेल पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन यही है कि जंदाहा का है, दोनों मजदूर जंदाहा का है, काम करने के लिए यहाँ आया हुआ। अभी लापरवाही का क्या बताया जा सकता है, जो अभी तो मेरा काम कर रहा था, तो अब ठेकेदार का देखा जाए कि अब तो वहाँ मकान मालिक तो ठेका दिया है, बोला कि हम तो ठेका पे दिए हुए हैं, तो अभी दोष किसी का नहीं सिद्ध नहीं कर सकते। काम कर रहे थे ये महाराजा बैंड है, उन्हीं का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी में काम कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसमें दोष किसी का भी नहीं है, क्योंकि एक नवनिर्मित मकान में दोनों मजदूर काम कर रहे थे, इस दौरान जब सफाई कर रहे थे तो एक मजदूर गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद एक दूसरा मजदूर उसे बचाने गया तो भी हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैसे ही आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं किसी का भी दोष नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।